हमारे सोचने की जरूरत है। दसवां पॉइंट जो हमारे निकाहों को लेट करता है वो क्या मानो आपको, बहुत अहम नुकता है गौर कीजिए इस पर, वो है जहेज। वो है जहेज, वो है डाउरी, जो लड़की से जबरदस्ती लिया जाता है जहेज। खूबसूरती पसंद आ गई लड़की की, सब कुछ पसंद आ गया, जो हूर परी चाहिए थी वो भी मिल गई, सब कुछ हो गया, फिर भी बात तय नहीं हुई। क्यों? तो बेटी की बाप के पास देने को जहेज नहीं था, इसलिए रिश्ता रिजेक्ट हो गया। हो रहा है नहीं हो रहा है? इसलिए रिश्ता रिजेक्ट हो गया। जहेज, जहेज ये इतना बड़ा नासूर है, याद रखिए नासूर है उम्मत मुस्लिमा में, कि कई लड़कियों की खुदकुशी की वजह है, याद रखिए कई बच्चियां मर जा रही, कई बच्चियों के निकाह ना होने की एक अहम वजह याद रखिए, वो क्या है? निकाह देर से होने की एक वजह, वो क्या है? कि जहेज नहीं है, जहेज की रकम नहीं है, जहेज के पैसे कहां से लाएंगे? और आप इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, गौर कीजिए मेरी इस बात को। एक नौजवान जिसने शादी की, शादी करते ही उसे जो है एक साल में औलाद पैदा हुई, वो पैदा हुई भी औलाद लड़की थी, उसी दिन से बेचारा फिक्रों में लगकर लग जाता है कि अब इसकी शादी के लिए पैसे कैसे जमा करो, अब इसकी शादी के लिए पैसे कैसे जमा करो। मैं ये दावे से कहता हूं, कई नौजवान अपनी बीवी को छोड़कर पहली औलाद लड़की होने के बाद गल्फ जाकर सालों साल जिंदगी गुजारते अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर, सिर्फ अपनी बेटी के निकाह के लिए पैसा जमा करने की, कहीं जहेज की वजह से मेरी बेटी घर में ना बैठ जाए। कई नौजवान लड़के भाई जो सिर्फ अपनी बहन के निकाह कराने के लिए अपनी जिंदगियों को जला रहे जाकर दूसरे वतन में, ताकि उनके बहन का निकाह हो जाए, क्योंकि निकाह में कोई पैसा नहीं लगता है, जहेज जो हमने लानत अपने ऊपर ले ली ना, इसमें इतना पैसा जाता है कि सारे उसमें लड़की छोटी भी है, खूबसूरत भी है, सब कुछ होने के बाद भी पैसा ना होने की वजह से रिश्ता तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता। तो मैं नौजवानों से, उनके जिम्मेदारान से और औरतों से जो मेरी बात सुनिए, अपील करूंगा मेरी माँ बहनों, जहेज को आप बायकॉट करो सबसे पहले, कि हमको जहेज नहीं चाहिए। अगर आपके बेटे ने जहेज दिया तो घर से हटा दो उसको, आप आगे बढ़ो, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये तकलीफ आपको ही होती है। याद रखिए, आज आप किसी की बेटी से जहेज लेंगे, कल आपकी बेटी को भी आपको देना ही तो पड़ेगा। जहेज खत्म कर दीजिए, इस लानत को मिटा दीजिए, सुन्नत के मुताबिक अपने निकाहों को हम करें। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।